नमस्ते आदा सशीकाल मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू दर्कल ऑफ लाइफ टैरो आज जो है हम फिर से एक सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके और आपकी जो है रिलेशनशिप में राइट right नाउ क्या चल रहा है जैसे मैंने कहा जो भी मेरे रीडिंग्स होते हैं उनके जो टॉपिक्स होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं उनकी रीडिंग से जो है जो उनको क्वेश्चंस चाहिए हैं Uh, जो वो क्वेश्चन पूछते हैं उस हिसाब से जो है मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँ अगेन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा सिंगल फाइल रीडिंग है uh, अगर आप यहाँ पे नए हैं तो वेलकम टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो यहाँ पे जो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करती हूँ अगर आप यहाँ पर रिटर्निंग है तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं ऑरिकल कार्ड सीखना चाहते हैं चाम कास्टिंग सीखना चाहते हैं Uh, मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके सब डिटेल्स यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में और यहाँ पे वीडियो में भी होगी ऑलराइट right. आज का जो टॉपिक है हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपके और उनके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है वॉट्स गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आई डोंट नो उनकी फीलिंग्स क्या है आई डोंट नो मेरी फीलिंग्स क्या है हो क्या रहा है हमको पता नहीं है तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे ऑल राइट सो सेट बैक रिलैक्स थिंक अबाउट योर पर्सन आई होप अकॉर्डिंग ओर ये एंड वील केट इन टू द रीडिंग आर एंजल माइकल मैकॉर्डिंग एंजल्स एंड द यूनिवर्स होली स्पिर डिजेस विच आर इन द हाएस्ट गुड फॉर माई व्यूअर्स राइट right. आप लोगों की जो है हम रिलेशनशिप की एनर्जी पहले देखेंगे लेट्स चेक द रिलेशनशिप एनर्जी ओवरऑल जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है डॉग है यहाँ पे फ्रेंडशिप फेथफुल एंड लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी एंड देन वी हैव स्टार्स विश फुलफिलमेंट न्यू स्टार्ट टू लव एंड सोल मेड ब्यूटिफुल तो रिलेशनशिप में राइट नाव ओवरऑल एनर्जी क्या है या तो आप किसी नए इंसान से मिले हैं रिकन्सिलेशन हुआ होगा या जिनके साथ आप राइट नाव रिलेशनशिप में हैं आप दोनों की रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो राइट नाव काफ़ी पॉजिटिव है या अगले सात दिन में पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी है Uh, एक दूसरे पे भरोसा फिर से आप लोगों का आ, उठ रहा है यू आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करने लग गए हैं भरोसा करने लग गए हैं uh, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं uh, वो आपकी तरफ काफ़ी लॉयल हैं काफ़ी फेथफुल हैं उनको भी जो है आपकी तरफ से यही एक फीलिंग आती है कि आप जो हैं उनके लिए बहुत लॉयल uh, भी हैं और बहुत फेथफुल भी हैं ऑल राइट एंड देन वी हैव स्टार्स फॉर सम ऑफ यू ऑल एक नया प्यार हो सकता है नई रिलेशनशिप हो सकती है दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन सोलमेट का यहाँ पर बहुत क्लियर मुझे मैसेज uh, आया है एंड अगेन विश फुलफिलमेंट तो कुछ ना कुछ आप लोगों के रिश्ते में हुआ होगा जिससे आपको आपके पार्टनर दोनों को लगता हुआ कि जैसे हमारी दिल की बात है वो पूरी हो गई है तो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट टू द रीडिंग आई मस्ट से ऑल राइट नेक्स्ट जो हैं हम देखते हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है राइट नाउ आपके लिए और ये रिलेशनशिप के लिए क्या फील कर रहे हैं प्रेजेंट अबंडेंट ग्रेटिट्यूड जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान की ऐसी एनर्जी है कि वो जो है प्रेजेंट में रहना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहते या सोचते और जो बात बीत गई है उसके बारे में भी जो है ये इंसान बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहते ये इंसान जो है प्रेजेंट में रहना चाहते हैं प्रेजेंट में रहते हैं और इनको जो है बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है कि आप उनके लाइफ में हैं या जो भी उनके लाइफ में हो रहा है तो आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं थोड़ा सा जो है ये इंसान काफ़ी ग्राउंडेड uh, हो सकते हैं काफ़ी काम नेचर के हो सकते हैं एक ऐसी एनर्जी uh, मुझे यहाँ दिख रही है कि ये इंसान जो है जो है जितने में है उसमें जो है वो इन दैट मोमेंट रहना चाहते हैं बहुत फ्यूचर के बारे में सोच के कि हमारा रिलेशनशिप कहाँ जाएगा हमारी शादी हो होगी हो या नहीं हमारे पेरेंट्स मानेंगे या नहीं जो भी आप लोगों का सिचुएशन है ना तो ये इंसान जो है बहुत राइट नाउ प्रेजेंट में जीना चाहते हैं प्रेजेंट में जी रहे हैं और राइट right नाउ जो है इनको लगता है कि इनके लाइफ में बहुत अबंडेंस है बहुत चीजों के लिए इनको जो है शुक्राना या ग्रेटिट्यूड फील करना है ऑल राइट right. आपकी जो है ये रिलेशनशिप को लेके राइट नाउ क्या एनर्जी है सेल्फ केयर है एनर्जी है वेरी गुड एनर्जी हाँ आप लोग एनर्जी राइट ठीक है रिश्ते में सॉरी फोन आया था और रिकॉर्डिंग कट हो गई आप लोगों की एनर्जी जो है यहाँ पे सेल्फ केयर है एनर्जी uh, है मे बी रिलेशनशिप में चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं इसीलिए आपको और एनर्जेटिक लग रहा है फॉर सम ऑफ यू ऑल अगर ये रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स थी या रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए आपने रियलाइज किया होगा कि आ, अगर मैं खुश हूं अगर मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ अगर मैं सेल्फ केयर में इन्वॉल्व होंगी तो ही जो है अगला इंसान को मैं प्यार दे सकू दे सकूंगी राइट right? तो आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ खुद को जो है आप प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हैं जहा पे आ, कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ गया है कि जब मैं खुश हूं तो मैं दूसरे इंसान को खुश रख सकती हूँ यू आपने जो है एक ऐसी एनर्जी में आए हैं कि दूसरे इंसान पे जो आप शायद प्रेशर डाल रहे थे कि मेरा पार्टनर ऐसे बिहेव करेगा तो मैं खुश होंगी या मेरा पार्टनर ऐसे करेगा तो ही मुझे प्यार फील होगा आई थिंक वो एनर्जी से जो है आप धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं अगर अब तक आप ऐसी एनर्जी में नहीं आए हैं तो बहुत जल्द आप एक ऐसी एनर्जी में आएंगे जहाँ आप खुद सेल्फ केयर में जो है बहुत इन्वेस्ट uh, in, करेंगे और उससे जो है आपको एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ओवरऑल जो है ये रिलेशनशिप की एनर्जी राइट नाउ क्या है एस ऑफ कैंसर स्कॉर्पियो आप या आपके पार्टनर पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं एस uh, की एनर्जी है वाटर की एनर्जी है एक बहुत इमोशनल uh, कनेक्शन आप आपके पार्टनर के साथ फील कर रहे हैं ब्लू इज ऑल्सो द कलर ऑफ थ्रोट चक्रा कम्युनिकेशन जो है आप लोगों का इम्प्रूव होगा मुझे वो बहुत क्लियरली दिख रहा है जिस ढंग से पानी बहुत uh, अगर आप पानी को देखते हैं तो वो कोई भी शेप ले सकता है जहाँ पे उनको जगह मिल जाती है वहाँ वो जाके uh, वो ही फॉर्म ले लेते हैं ना तो आई थिंक आप और आपके पार्टनर एक ऐसे एनर्जी में आएंगे कि आप अपनी सिचुएशन अपने सर्कमस्टांसेस अपने जो हालात हैं उस पर झगड़ा नहीं करेंगे और जैसा है उसको एक्सेप्ट करके उसमें जो है खुशी पाने की कोशिश करेंगे सो आई थिंक कि अगर आप लोगों की ये अब तक एनर्जी नहीं है तो वेरी सुन जो है आगे जाके आप लोग यही एनर्जी में आएंगे कि यू विल वॉन्ट टू आप ऐसा चाहेंगे कि हम सिर्फ जो है इमोशंस uh, को ध्यान मद्देनजर के हमारे फीलिंग्स को मद्देनजर रख के जो हमको ये रिलेशनशिप के लिए बेस्ट करना पड़ेगा एडजस्टमेंट हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है वो दोनों जो हैं आप करने की कोशिश करेंगे राइट नाउ में भी आप वो ऑलरेडी कर भी रहे हैं फेट है यहाँ पे डी टूअर्स है डिवाइन इंटरवेंशन है फॉर सम ऑफ फ्योल कुछ ना कुछ uh, ऐसा होगा आपके रिलेशनशिप में, uh, में आपके लाइफ में या आपके पर्सन के लाइफ में जहाँ पे आपको रियलाइज होगा कि बाकी सब झूठ है और सिर्फ ये जो रिश्ता है ये जो प्यार है ये uh, भगवान की तरफ से है एंड ये ही एक सच्चाई है फसामो फ्योल एक टावर मोमेंट आ सकता है जहाँ पे uh, यह तो आपकी फ़ैमिली को पता लग जाएगा आपके इंसान के फैमिली को पता लग जाएगा उसके कारण जो है कुछ चीज़ें हो सकती हैं प्रॉब्लम्स टेंशन हो सकते हैं थोड़ा सा ये रिलेशनशिप में से एनर्जी अटेंशन कहीं और जाएगा बट ये डिवाइन इंटरवेंशन है ये होने के बाद ही जो है आप लोगों को एक रियलाइजेशन हुआ होगा कि यू नो you know,

थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड गिल्ट और भी है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि uh, अगर आप थर्ड पार्टी में हैं या आपके इंसान थर्ड पार्टी में है या कुछ कंफ्यूजन वाली एनर्जी थी एक एनर्जी थी जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है या ये रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है तो ये इंसान जो है काफी गिल्टी फील कर रहे हैं फॉर सम ऑफ यू ऑल एक ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जिनको प्यार 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 से डरते हैं प्यार, जब कोई उनको प्यार देता है तो वो एनर्जी से वो डर जाते हैं ऐसे इंसान है जो बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं इमोशंस पे ज्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो खुद से जो है ये इंसान चीजें ऐसे करते होंगे कि आपके प्यार से दूर भागे है ना तो वो दैट पर्सन इज़ गिल्टी फॉर इट लेकिन ये इंसान एक ऐसे एनर्जी में अब आए हैं जहाँ पे ये इंसान जो हैं एस ऑफ कप्स की एनर्जी है प्योर लव है न्यू बिगिनिंग टू लव है एक इमोशंस को प्यार वाले इमोशंस को एक्सेप्ट करना Uh, अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना कि ठीक है हाँ फाइनली अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं मेरे व्यूअर्स से ये इंसान जो है आपसे सच में एक इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं एक इमोशनल प्यार फील फील करते हैं और उसको जो है ये इंसान सरेंडर करेंगे इट इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी तो अगर आपको अब तक कन्फ्यूजन है कि वॉट इज हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप सारांश में ये सब का यही मतलब है कि हीलिंग है सोलमेट वाली कनेक्शन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान बहुत लॉयल और फेथफुल है कहीं ना कहीं प्यार से डरते होंगे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी इसीलिए प्यार से भागते होंगे लेकिन अब ये इंसान एक ऐसी एनर्जी में आए हैं या बहुत जल्द आएंगे जहाँ पे वो बोलेंगे कि नहीं मैं ये प्यार में खुद को सरेंडर कर रहा हूं सरेंडर को हम क्या बोलेंगे हिंदी में अर्पण अर्पण लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स पर मुझे लग रहा है कि सरेंडर uh, uh, हाँ अर्पण सेक्सुअल मैनिफेस्टेशन है एंड मेचोरिटी है एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कमिटमेंट एंड कनेक्शन वाओ यू नो व्हाट ये इंसान और आपके रिलेशनशिप में आप अगले थर्टी डेज में इफ नॉट सोनर एक बहुत पॉजिटिव चेंज देखेंगे ये इंसान जो है एक ऐसी एनर्जी में आएंगे जहाँ पे उनको एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी आएगी अगर ये इंसान अब तक ये रिलेशनशिप में यू uh, नो you know, को सीरियसली नहीं ले रहे थे अब एक ऐसी एनर्जी आएगी जहाँ पे एक बहुत मेचोरिटी से आपको आपके प्यार को और ये रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे मैनिफेस्टेशन uh, अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या आपके इंसान मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो एनर्जी जो है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको बहुत जल्दी दिखेंगे अगेन देर इज सेक्शुअल फ्रीडम फॉर सम ऑफ योर ये इंसान uh, एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आपको लगता होगा कि इट इज फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली या ये इंसान जो है सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए तो मेरे साथ नहीं है फॉर सम ऑफ योर येस स्टार्ट में ऐसा हो सकता था लेकिन अब ये इंसान जो है एक कमिटमेंट वाली एनर्जी में आ रहे हैं एक कनेक्शन जो है उनको फील हो रहा है तो मे बी अगर इन द पास्ट आपने ये इंसान पे गिव अप नहीं किया था इनकी ज़रूरतों को इनके बिहेवियर को इनके बर्ताव को जो है आपने एक्सेप्ट किया और तो भी आपने इनको प्यार दिया तो वो सब जो है रियलाइजेशन ये इंसान को ज़रूर होगा एक ऐसी एनर्जी में अब आ गए हैं कि उनको पता है कि आपने ये रिलेशनशिप में कितनी एफर्ट और एनर्जी डाली है और उसके कारण जो है ये इंसान एक कमिटमेंट वाली एनर्जी में ज़रूर आएंगे एक ऐसी एनर्जी में आएंगे जहां पे उनको कनेक्शन फील होगा डेट पे जा सकते हैं बाहर घूमने जा सकते हैं बीच यहाँ पे मुझे दिख रहा है ब्यूटीफुल म्यूजिक इज अलूजिक सनसेट वाली यू नो सनसेट है यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है सो आई थिंक ये ये कनेक्शन जो है वॉट इज हैपनिंग इन योर कनेक्शन आई थिंक देर इज अ चेंज कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज राइट नाउ हो रहा है जो आगे जाके आप लोगों को बहुत अ इमोशनल सपोर्ट स्टेबिलिटी और प्यार देगा ऑलराइट लेट्स गो टू टैरो नाउ ओके व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट लेट्स फाइंड आउट आपसे कितना रेजोनेट होता है हम देखते हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं कैंसर स्कॉपियो ऑफ तो ऑलरेडी हमको मिल गया था बट समो एनर्जी अबाउट दिस पर्सन एंड द कनेक्शन वेर इज दिस कनेक्शन गोइंग देखो यहाँ पे फिर से ना मुझे फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी दिख रही है देर इज एन एनर्जी ऑफ जेलिसन सेक्शुएलिटी एंड काउंटर प्रोडक्टिव है ना तो फॉर सम ऑफ यूल आई थिंक ये एनर्जी जो है आप लोगों की ये इंसान के साथ ऐसी हो सकती है कि पास्ट uh, में अगर आप ये इंसान से यू you नो know, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आप ये इंसान को कह रहे हैं कि आ, मुझे जो है यू नो you know, आप प्यार नहीं एक्सप्रेस करते आई डोंट नो इफ यू रियली लव मी मुझे नहीं पता कि आप सच में मेरे से प्यार करते हैं या नहीं तो ये इंसान जो है चुप हो जाते हैं अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाते हैं आप आपसे यू नो एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं जो थोड़ी टॉक्सिक होती है चुप हो जाते हैं Uh, तुमको जो सोचना है तुम सोचो मुझे बार बार ऐसे सवाल मत पूछो बिकॉज ये इंसान जो है uh, बात करने में अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हिचकिचाते होंगे इमोशंस को बताने में जो है ये इंसान हिचकिचाते होंगे फिजिकली आपको प्यार बता सकते हैं अ uh, uh, सेक्सुअल इंटीमेसी से आपको प्यार बता सकते हैं लेकिन जब एक दूसरे से बात करने वाली बात आती है तो ये इंसान वैसा प्यार आपको नहीं जताते होंगे इसीलिए फॉर सम ऑफ योर ये रिलेशन आप ये रिलेशनशिप आपको शायद टॉक्सिक लग रहा है बट यू कंटिन्यू मैनिफेस्टिंग बहुत जल्दी मुझे जो है एक पॉजिटिव चेंज आप लोगों के रिलेशनशिप में ज़रूर दिखेगा uh, आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये ये रिलेशनशिप में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए है या नहीं इज इट काउंटर प्रोडक्टिव मैं सिर्फ एनर्जी एफर्ट्स डाल रही हूँ और मुझे रिटर्न में सिर्फ साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है या सिर्फ जब उनकी ज़रूरत होती है तब ये मेरे से मिलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है ये इंसान जो है धीरे धीरे एक कमिटमेंट की तरफ पहुंच रहे हैं एक आ, ऐसी एनर्जी में पहुंच रहे हैं जहाँ पे उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है एक ऐसे इंसान है जिन्होंने ज़रूर आपका टेस्ट लिया है आपकी पेशेंस का आपकी हिम्मत का आप जितना यू नो हम बोलते हैं ना कि धैर्य का इन्होंने आपका टेस्ट लिया होगा लेकिन ये इंसान की एनर्जी जो है अब जरूर चेंज हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है आ, कम्युनिकेशन एफर्ट अबंडुलफिलमेंट फोकस ऑन योर नीड्स हार्वेस्ट येस द टाइम हैज कम ब्यूटिफुल कार्ड है यहाँ पे अगेन मून की एनर्जी है आप जो मेरे व्यूअर्स है ना बहुत इमोशनल हो सकते हैं फुल मून uh, अमावस्या पूर्णिमा अमावस्या वाले टाइम पे आप लोगों को इमोशनली बहुत चीजों को फील करते होंगे आप आ, बहुत पॉजिटिव कार्ड है फिर से अबंडेंस का कार्ड है एक ऐसी एनर्जी है फ्रूट ऑफ योर लेबर मैंने वही कहा था कि जो आपने मेहनत करी है उसका जो है अभी आपको रिजल्ट मिलेगा ये इंसान जो बहुत यू नो you know, कोल्ड हार्टेड थे या बहुत स्टबन थे हट्टी थे जिद्दी थे धीरे धीरे जो है इनका मन आपकी तरफ बदल रहा है तो अगर बाहर से आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है या अगर आपको लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं है ये इंसान आपकी तरफ जरूर आएंगे ऑल राइट टैरो से देखते हैं व्हाट इज नाउ यू आर राइट बॉटम ऑफ द डेक वी हैव यू आर ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज हो रहा है कि यू आर राइट अगेन वी हैव द एनर्जी ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन केप्रिकॉन की एनर्जी है डेविल की एनर्जी है एंड आई वॉन्ट आई वॉन्ट यू टू चूज एंड आई लेव बिकॉज यू टोल्ड मी सो फॉर सम ऑफ यूर ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे आपसे बात नहीं कर रहे थे आपने शायद ये रिलेशनशिप को कॉल ऑफ किया है लेकिन ये इंसान को अब रियलाइज हुआ है कि आप सही हैं गलती उनकी थी आपने उनको कहा आप जाओ तो इसीलिए अब ये इंसान चाह रहे हैं कि आप शायद फो दोज वो आर ऑन ऑ ब्रेक या कम्युनिकेशन तो नहीं आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट है तो ये इंसान चाहते हैं कि आप जो हैं उनकी तरफ जाए ये इंसान चाहते हैं कि आप जो है इनको चूज करें अगेन यू आर डीलिंग विद सम्मान जो यहाँ पे आई हैव सो मच डिजायर फॉर यू यू मैटर आई नीड मोर बैलेंस एंड एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है कहीं ना कहीं ये इंसान को राइट right नाउ समझ में ये रिलेशनशिप को लेके राइट नाउ ये इंसान को मेंटल क्लैरिटी आ गई है जो भी झूठ सच ये इंसान आपसे छुपा रहे थे बिकॉज इनको अपना प्यार आपके लिए एक्सेप्ट नहीं करना था वो झूठ सच करना ये इंसान जो है बंद कर देंगे ये इंसान जो है ऐसे इंसान है टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी खुद को आउट ऑफ बैलेंस फील करते हैं आपको कहते होंगे कि आप बहुत इमोशनल है ओवर थिंक मत करो लेकिन ये इंसान जब टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आती है तो ये इंसान बहुत आउट ऑफ बैलेंस है आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जब प्यार करने की बात आती है जब इमोशन की बात आती है तो इंसान चुप हो जाते हैं और और चीज़ों में बिजी हो जाते हैं अपने काम में बिजी हो जाएंगे फ्रेंड्स के साथ चले जाएंगे पार्टी करेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन आपको जो है इमोशनल कनेक्शन जो ये आपके लिए फील करते हैं वो नहीं बताएंगे बट अब जो है ये इंसान की वो एनर्जी फ्यूचर में मुझे लगता है हंड्रेड परसेंट चेंज होगी अगर अब तक चेंज नहीं हुई है यू मैटर एंड आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू अगेन विथ द विद द डेविल की जो एनर्जी है ये इंसान एक्चुअली आपसे ऑप्सेस्ड है और जब आपको नहीं बताते होंगे लेकिन दिन रात रात दिन ये इंसान जो है आपके बारे में सोचते हैं और ये इनको एक्चुअली डराता है एंड बिकॉज इनको ये चीजें डराता है ना तो ये जम्पर आया है आई नीड टाइम फॉर मी तो ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं पीछे हट जाते हैं कि ये क्या फीलिंग है और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ आपकी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं मैरिड अनमैरिड व्हाट एवर योर सिचुएशन आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो जिनको ये खुद को एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ मैं किसी से प्यार कर सकता हूँ किसी के प्यार में हूँ वो एक्सेप्टेंस ही ये इंसान नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए जो मेरे व्यूअर्स है बहुत मुश्किल होता होगा बिकॉज जब आप एक फिजिकल यूनियन में आते हैं या यू नो फिजिकल इंटीमेसी में आते हैं जब आप एक दूसरे को मिलते हैं और मैं फिजिकल इंटीमेसी इसीलिए बोलती हूँ बिकॉज कार्ड्स वैसे आए हैं तब आपको लगता है कि यार ये इंसान मेरे से ऐसे बिहेव करते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये सच में मेरे से प्यार करते हैं लेकिन जब हम हमारी दुनिया में चले जाते हैं तो ये इंसान कहाँ है इनका प्यार कहाँ है वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा बट ये ऐसे इंसान हैं जो हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं इसलिए जो है चुप हो जाते हैं और अपने इमोशंस को आपको नहीं बताते हैं ऑल राइट वेर इज am टू afraid टू टॉक टू यू है ना ये इंसान नंबर एट की एनर्जी है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन अपनी दिल की बात आपको बताने के लिए ये इंसान जो है चुप हो, हो जाते हैं ऐसे इंसान है जिन, जो आपको बोलते होंगे कि आपको मेरे एक्शन से समझ नहीं आ रहा आपको बार बार मुझे क्यों बोलना पड़ता है तो एक ऐसे इंसान है जो अपनी सच्चाई जो है वो आपको बताने में डरते हैं अगेन इट इज एन एनर्जी ऑफ आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम है ना आप ये इंसान की कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी देखो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम यस आई एम सॉरी एंड आई वॉन्ट स्पेस है ना ये इंसान की इतनी ऑन एंड ऑफ इन एंड आउट वाली एनर्जी है कि आप टोटली कंफ्यूज्ड हैं I can understand that आपको पता ही नहीं कि ये relationship में क्या हो रहा है That is why आप यहाँ पे हो और आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना तो ये इंसान आपको आप ये इंसान चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में हो आ, लेकिन उनको अपना स्पेस की भी जरूरत है इसीलिए वो कहते हैं कि आई एम सॉरी इसीलिए आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो आ, बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और जो मे बी राइट नाउ ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं ये रिलेशनशिप में जो सही है वो नहीं कर पा रहे हैं खुद इनको पता नहीं है कि ये रिलेशनशिप में आगे उनको क्या करना है इसीलिए आपको ब्लॉक करने के लिए बाकी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं आप एक ऐसे इंसान से भी डील करते होंगे जो आ, आपको जब मिलते हैं या आपको जब मैसेज करते हैं तो वो उनके हिसाब से उनके टाइम पे होता होगा और उससे भी जो है आपको थोड़ा सा इरिटेशन होता होगा लेकिन आप जो है, आपकी एनर्जी को कंटिन्यू रखें बिकॉज योर पर्सन वांट्स टू लिव इन द फ्यूचर एंड अगेन अबंडेंस का दोनों बार कार्ड आया है आप एक ऐसे इंसान के साथ हो जिसको मे बी उनका पैसा उनकी शोहरत उनका काम उनका उनका स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और उसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत भी करते होंगे तो आप ऐसे इंसान से के साथ हैं राइट नाउ जो वो सब भी करना चाहते हैं आपके साथ भी रहना चाहते हैं लेकिन जब वो आपके साथ रहते हैं तो वो जो कमिटमेंट वाला आपके साथ जब ये इंसान रहते हैं ना तो उनको मुझे एक ऐसे लग रहा है इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है विद द डेविल एनर्जी एंड आई वांट यू एंड आई एम थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम आप उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक कर देते हैं ये इंसान अपने इमोशंस को लेके डरते हैं इमोशनल इंसान नहीं है और जब उनको इतना स्ट्रांग इमोशनल कनेक्शन आपके साथ फील होता है तो थोड़ा सा वो डर जाते हैं लेकिन आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक यू कंटिन्यू आप इन आप राइट right ट्रैक पे आप इनको मैनिफेस्ट करो अपने इमोशंस को एक पॉजिटिव तरीके से उनको बताओ एंड आप भी जो है प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें सेल्फ केयर का, का कार्ड ऑलरेडी आपके लिए आया था आप जो है सेल्फ केयर में रहिए और आई थिंक ये इंसान फ्यूचर में जरूर आपकी तरफ आएंगे और एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देंगे अगर अब नहीं दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है फ्यूचर में ये इंसान जरूर देंगे लास्ट कार्ड्स हम देखते हैं ये देखो वेयर इज दिस रिलेशनशिप ना? लास्ट कार्ड ओशो से मैंने देखा इनर वॉइस है गिल्ट है एंड रिबर्थ है गिल्ट का जो है दो बार कार्ड आया है इसका ये मतलब है कि ये इंसान जो है इन्होंने अब अपनी इनर वॉइस अपनी अंदर की जो आवाज है इसको ये इंसान सुनेंगे या इनकी जो कॉन्शियंस है ना इनका जो रूह है इनो ये इनकी जो रूह है इन्होंने अब इनको बताया है कि इन्होंने आपके साथ गलती की है आप मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं आपने इनको अनकंडीशनल प्यार दिया है आपने इन पर गिवप नहीं किया है आ, जैसा इन्होंने कहा वैसा आपने किया बिकॉज आपको एक सोलमेट का कनेक्शन फील होता था आपको ट्रू लव फील होता था और आपको कहीं ना कहीं ये इंसान के एक्शंस में दिखता था कि ये इंसान के भी आपके लिए कोई फीलिंग्स है लेकिन ये इंसान ने आपके साथ सही नहीं बिहेव किया है और अब जो है इनका इंट्यूशन हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है आ, अंदर से इनकी एक आवाज़ आ रही है जो इनको कह रही है कि इन्होंने गलत किया है और उसके कारण जो है उनको बहुत गिल्ट है बहुत बुरा लगता है कि इन्होंने आपके साथ कैसे बिहेव किया है एंड देर इज एन एनर्जी ऑफ रिवर एक चेंज है एक रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है एक ऐसी एनर्जी है जो चीजें इनको डराती थी आपको कहना कि ये आपसे प्यार करते हैं सोसाइटी से झगड़ना आपकी तरफ आना आपको टाइम देना अब अपने जो अंदर के जो फियर्स हैं उसको ये इंसान टेम कर रहे हैं जैसे ना यहाँ पे बासुरी बजा के ये लायन को जो है अपने कंट्रोल में ला रहे हैं तो ये इंसान जो है अब ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि खुद अपने डर को जो है ये इंसान कंट्रोल में कर रहे हैं तो इनकी जो भी ये रिलेशनशिप को लेके फियर्स थे जो भी ये रिलेशनशिप को लेके इनको अच्छा नहीं लग रहा था जो चीजें इनको डरा रही थी उसमें एक चेंज होगा एक रिबर्थ होगा लेट मी जस्ट फाइंड आउट रिबर्थ क्या होगा हारमनी है ना वापस ब्लू का कार्ड आया है अगेन इट इज अ कार्ड ऑफ थ्रोट चक्रा जो है ओपन हो रहा है इमोशंस का कार्ड है एक पीस का कार्ड है एक ठहराव का कार्ड है हारमोनी का मतलब होता है कि चीजें जो हैं एक साथ चलना इन सिंक चलना एक साथ बंद के चलना जो ऊपर नीचे जो ये जो कार्ड था कि आई वॉन्ट बैलेंस है ना आई वॉन्ट मोर बैलेंस वो बैलेंस जो है ये इंसान को मिलेगा हार्टवनी का कार्ड है एंड अगेन यहाँ पे टू डॉल्फिन है ना डॉल्फिन मेट फॉर लाइफ दिस इज अफुल कार्ड अः देखो दिल से और दिमाग से जो इनके दिल में कश्मकश चल रही थी और इनके जो दिमाग में कश्मकश चल रही थी उसमें अब एक बैलेंस आ रहा है डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक चेंज एक रिबर्थ आप ये इंसान से देखोगे एक uh, I'm happy, बहुत अच्छा रीडिंग है जो मेरे व्यूअर्स अब तक स्ट्रेस्ड हैं टेंस्ड है कन्फ्यूज है, है कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है ये इंसान की सच्चाई मुझे पता नहीं है आप होल्ड ऑन करें बी पेशेंट अगेन अगर ये जनरल रीडिंग है सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा अगर ये इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया है पहले मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इनको और एक चांस दे सकती हूँ तो इनको जरूर एक चांस दें अगेन जब मैं रीडिंग करती हूँ मैं इस ढंग से रीडिंग करती हूँ कि ये ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग हो और आपको टैरो रीडिंग करने की जरूरत ना पड़े बट अगर आप बहुत कश्मकश में हैं और अगर आपको लगता है कि आई डोंट नो कि ये इंसान सच में क्या करेंगे रिलेशनशिप में मुझे और इन्वेस्ट करना है या नहीं यू कैन ऑलवेज टेक अ रीडिंग विद मी और एनी बडी एल्स बट आई फील जिस ढंग से मैं कार्ड्स देख रही हूँ कि अगर आप थोड़ा सा और ये रिश्ते में प्रेजेंट रह के विदाउट खुद को दुखा के अगर आप ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे ये इंसान ऑलरेडी इतना गिल्टी फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपसे गलत बिहेव किया है एक रीबत और एक हारमोनी जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में जरूर आएगी दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एज ऑलवेज प्लीज़ टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग थैंक यू सो मच